डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन, हेलो बेंजीन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ा है, और उस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने SN1 और SN2 अभिक्रिया को पढ़ा कि SN1 अभिक्रिया क्या होता है, SN2 अभिक्रिया क्या होता है। चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो टॉपिक दिया जाए प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। अब प्रकाशिक समावयवता क्या है, तो इसके बारे में जानने के लिए पहले फर्स्ट टर्म देंगे। लिखा जाए ध्रुवित प्रकाश के तल को, ध्रुवित प्रकाश के तल को, ध्रुवित लिखना आएगा, ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने का गुण, घूर्णित करने का गुण एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, कॉमा वे यौगिक प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और ऐसी घटना, और ऐसी घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाता है, और ऐसी घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एक तल ध्रुवित प्रकाश, जिसको PPL बोलते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, एक तल ध्रुवित प्रकाश। इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे कि PPL क्या है। सब हम लोग शुरू से चीजों को समझेंगे कि क्या है प्रकाशिक समावयवता, PPL क्या है। तो इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे जब साधारण प्रकाश किरणें, जब साधारण प्रकाश किरणें को निकोल प्रिज्म से होकर प्रवाहित करते हैं, तब प्रवाहित करते हैं तब प्रिज्म से होकर निकलने वाली किरणें प्रिज्म से होकर
निकलने वाली किरणें एक ही तल में कंपन करती है, एक ही तल में कंपन करती है, इसे एक तल ध्रुवित प्रकाश ब्रैकेट में PPL कहा जाता है। चलिए अब प्रकाशिक समवयवता और एक तल ध्रुवित प्रकाश को हम लोग साथ साथ समझते हैं कि आखिर जो हम लोग यहां पे लिखे ये चीजें क्या लिखे, इनका क्या मीनिंग है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पे एक फिगर बनाने वाले हैं हम, और इस फिगर को ध्यान से अच्छे से देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जो ये फिगर आप देख लिए और अच्छे से समझ गए तो अभी जो हम लोग टॉपिक लिखे ना ये हम लोगों का पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा डाउट्स खत्म, सब चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले हम यहां पे एक कैंडल बनाते हैं, कैंडल। ठीक है, देखते रहिए, अभी कैंडल बन रहा है, ये कैंडल मतलब मोमबत्ती, ये मोमबत्ती बन रहा है। ठीक है, मोमबत्ती जैसा दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब इससे थोड़ा सा लाइट निकाल देते हैं, मोमबत्ती को जला देते हैं। चलो ठीक है, मोमबत्ती जल गया, लाइट भी दे दिया मोमबत्ती। जब इस मोमबत्ती से लाइट निकल रहा होता है, चाहे एक बल्ब से भी लाइट निकलता है, तो आपको क्या लगता है सिर्फ एक किरणें वहां से निकलती है? नहीं, वहां से बहुत किरणें, असंख्य किरणें वहां से निकलती है, यानी कि बहुत सारी किरणें निकलती है और चारों दिशाओं में निकलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही किरण निकली सीधा गई या ये किरणें सीधे गई, नहीं, यहां पे आप देखेंगे तो चारों तरफ किरणें फैल जाती है। यानी यहां से आप एक बात समझेंगे कि यहां से जो हम लोगों को किरण मिला, प्रकाश की जो किरणें मिली वो कैसा मिली, तो चारों दिशाओं में, इधर इधर इधर, यानी कि चारों दिशाओं में बिल्कुल किरणें क्या है, फैल गई। ये क्या दिखा रहा है कि चारों दिशाओं में ये जो किरणें हैं वो पड़ रही है। ठीक है, यहां से पता चला कि ये चारों दिशाओं में किरणें फैल रही है, यानी कि इसको हम बोलेंगे कि प्रकाश किरणें हैं। ये क्या है, प्रकाश किरण है। अब ये प्रकाश किसका, वहां में एक मोमबत्ती एक जलाए हुए है, उसका प्रकाश की किरण है। अगर अब इस प्रकाश की किरणों को एक प्रिज्म से गुजारा जाए, साथियों एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। इस तरह से एक प्रिज्म है, ये क्या है, एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म का जो नाम है वो एक निकेल प्रिज्म बोलते हैं इसको, निकोल। इसको कौन सा प्रिज्म बोलते हैं, निकोल प्रिज्म बोलते हैं। अब इस प्रिज्म को आगे रख दिया जाए तो इतना प्रकाश की किरणें नजर आ रही थी, अब इतने प्रकाश की किरणों में मात्र और मात्र देख पा रहे होंगे सिर्फ एक ही किरणें एक ही दिशा में नजर आती है, यानी कि सिर्फ ऐसे। यहां पे देख पा रहे होंगे बहुत सारी किरणें थी, लेकिन जब निकोल प्रिज्म से अगर गुजारा जाता है
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं PPL, यही कहलाता है PPL। तो हम यहां से ये बोलने वाले हैं कि प्रकाशिक समावयवता किसको कहेंगे, तो प्रकाश का वह गुण जो प्रकाश किरणों को मोड़ सकती है, मोड़ने का गुण पाया जाता है। देखिए यहां पे तो बहुत सारे किरणें थी, जब निकोल प्रिज्म से गुजार रहे हैं तो ये एक ही किरण प्राप्त हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन को हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। लेकिन लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, PPL। जरा PPL का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि PPL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्लेन, पी से हो गया प्लेन, ये वाला पी से होता है पोलराइज्ड, POLARISED, और इस एल से मतलब होता है लाइट, जिसका हिंदी होता है एक तल ध्रुवित प्रकाश, एक तल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो PPL का मतलब क्या हुआ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक तल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अब PPL कब बोलेंगे, तो हम जब किसी भी प्रकाश किरणों को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो किसी एक तल में प्रकाश की किरणें प्राप्त होती है, एक किरणें प्राप्त होती है, इसी को हम लोग बोल देते हैं PPL। ठीक है, तो आप इन चीजों का जो फिगर है बिल्कुल फ्रेश बनाइएगा डायग्राम, ताकि यही चीजें कहलाती है PPL। अब जरा हम लोग आगे पढ़ते हैं, प्रकाशिक सक्रियता नेक्स्ट टॉपिक है, प्रकाशिक सक्रियता, प्रकाशिक सक्रियता, उसके नीचे फर्स्ट आर देंगे, लिखेंगे प्रकाशिक सक्रियता के फर्स्ट एरो, कार्बनिक यौगिकों द्वारा, कार्बनिक यौगिकों द्वारा प्रकाश के ध्रुवन तल को, प्रकाश के ध्रुवन तल को मोड़ने या घूर्णित करने की घटना को घूर्णित करने की घटना को प्रकाशिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे नेक्स्ट एरो, वह यौगिक जो ध्रुवित प्रकाश तल को, जो ध्रुवित प्रकाश तल को दाई ओर मोड़ देता है, दाई ओर मोड़ देता है, डेस्ट्रो घूर्णक कहते हैं, डेस्ट्रो घूर्णक कहते हैं, दाई ओर मोड़ देता है, डेस्ट्रो घूर्णक कहते हैं। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे वह यौगिक जो ध्रुवित प्रकाश तल को, जो ध्रुवित प्रकाश तल को बाई ओर मोड़ देता है, बाई ओर मोड़ देता है, लिवो घूर्णक कहलाता है। देखिए ये है डेक्ट्रो, अब ये बोल रहे हैं बाई ओर मोड़ देता है, लिवो घूर्णक कहलाता है, लिवो घूर्णक कहलाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे डेक्स्ट्रो घूर्णक, ये वाला डेक्स्ट्रो घूर्णक तथा लीवो घूर्णक, डेक्स्ट्रो घूर्णक तथा लीवो घूर्णक को संक्षेप रूप में, को संक्षेप रूप में, संक्षेप रूप में डी रूप तथा एल रूप, डी रूप तथा एल रूप में दिखाया जाता है, में दिखाया जाता है, यानी कि डेक्स्ट्रो घूर्णक को डी रूप बोलेंगे और लीवो घूर्णक को एल रूप बोलेंगे, ठीक है। उसके नीचे फिर से नेक्स्ट एरो लिखेंगे, वह यौगिक जो ध्रुवित प्रकाश तल, ध्रुवित प्रकाश तल को नहीं मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते हैं, प्रकाशिक अक्रिय कहलाता है, प्रकाशिक अक्रिय, सक्रिय नहीं अक्रिय कहलाता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो में, किसी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के डी तथा एल रूपों के मिश्रण, डी तथा एल रूपों के मिश्रण को रेशमीकरण कहते हैं, रेशमीकरण कहते हैं। चलिए अब इतना चीज हम लोग सीख गए, अब क्या क्या सीखे प्रकाशिक सक्रियता में। सबसे पहले तो हम लोग को पीपीएल समझ में आ गया कि पीपीएल क्या है। तो जब कोई प्रकाश किरणों को जब निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो एक तल में हमें प्रकाश मिलता है जिसको पीपीएल बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक तल ध्रुवित प्रकाश, यानी कि एक तल में जो प्रकाश किरणें आ रही है इसको ध्रुवित प्रकाश किरणें भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले कि अगर जो हमको अब नेक्स्ट टॉपिक क्या दिए है प्रकाशिक सक्रियता ना, जो भी चीजें हम लोग सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, प्रकाशिक सक्रियता में इतना सारा बात को लिखे। अब प्रकाशिक सक्रियता का वैल्यू कब होगा तो पीपीएल से, ठीक है, यानी कि जब हम पीपीएल सीख लिए हैं तो पीपीएल से ही जो हमें किरणें प्राप्त होंगी वो कहलाएंगी प्रकाशीय सक्रियता, प्रकाशिक सक्रियता। यानी कि जो हमें एक तल ध्रुवित प्रकाश किरणें मिला है, चलिए अब देखते हैं, यानी कि अभी तो हम लोग पीपीएल समझे, इसी को एक तल प्रकाश किरणें कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश किरणें इन्हीं को बोलेंगे। तो अब हम लोग फिर से एक फिगर बनाने वाले हैं इसमें और सभी चीजें कंफर्म हो जाने वाली है, सभी चीजें पक्की हो जाने वाली है कि जो इतनी सारी बात को हम लोग लिखे वो क्या होता है, उसमें क्या क्या बात लिखे हम लोग जरा समझते हैं। सबसे पहले पीपीएल, चूंकि यहां पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो किसका यूज करने वाले हैं तो पीपीएल का, यानी कि ये है पीपीएल जिसको ध्रुवित प्रकाश भी बोलते हैं, ध्रुवित प्रकाश तल, ठीक है, ध्रुवित प्रकाश तल, ठीक है।
अब इस ध्रुवित प्रकाश तल को जब एक कार्बनिक यौगिक से गुजारा जाता है, देखिए TPL कब प्राप्त होता है, जब निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तब ना, लेकिन इस PPL को अब जो गुजारना है एक कार्बनिक यौगिक से गुजारना है। एक ट्यूब होता है जिसमें एक कार्बनिक यौगिक होता है, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा सा फिगर बन नहीं रहा है, हाँ ये इसमें क्या है, तो एक कार्बनिक यौगिक है, रसायन है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। जब इस कार्बनिक यौगिक से PPL को पास कराते हैं, इससे जब पास कराते हैं तो दो तरह का हमें प्रोडक्ट मिलता है, जरा दिखाते हैं कौन कौन सा। देखिए जब PPL को एक कार्बनिक यौगिक से जब हम लोग पास करते हैं, ठीक है, तो दो तरह का फिगर मिलता है, कौन कौन सा, एक तो सेम PPL जैसा ऊपर बन गया, सेम, और दूसरा PPL से ये जो किरण आरेख है सीधा, ये दो सिचुएशन होगा, या तो दाएं तरफ मुड़ेगा या तो फिर बाएं तरफ मुड़ेगा, यानी कि यहां वाला सिचुएशन में दो तरह का फिगर मिलता है, कौन कौन सा देखते चले ध्यान से। अभी ये था सीधा रूप में, ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर ये कार्बनिक यौगिक से पास किया तो अब सीधा रूप में नहीं रहा, ये जो है बाई ओर मुड़ गया, यानी कि अपने स्थिति से ऐसे आ गया। जब ये सीधा था और बाई ओर मुड़ेगा तो ऐसे आएगा, पहले था ये सीधा, लेकिन जब इसको कार्बनिक यौगिक से पास कराया गया तो ये मुड़ गया दाहिने ओर, यानी कि अब दिखने लगा ऐसा, अब दिखने लगा ऐसा, ठीक है। तो जब कभी भी अगर ऐसा दिखता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक सक्रिय बोलते हैं इसको, ठीक है, और ऊपर वाले को बोलते हैं प्रकाशिक अक्रिय, प्रकाशिक अक्रिय। अब जो प्रकाश किरणों को बाई ओर मोड़ देता है, जो बाई ओर मोड़ देता है उसको बोलते हैं लीवो, यानी कि इसको बोलेंगे लीवो घूर्णक, और जो दाई ओर मोड़ देता है प्रकाश को इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो घूर्णक। इसको एल रूप बोलते हैं, इसको डी रूप बोलते हैं, ठीक है, एल का मतलब लीवो और डी का मतलब डेक्स्ट्रो। ये पूरा फिगर में आप चीजों को अच्छे से समझिएगा क्या क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले तो हम PPL को समझे कि PPL क्या है भाई, तो PPL का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक तल ध्रुवित प्रकाश। ये कब प्राप्त होगा, तो जब किसी प्रकाश किरणों को एक निकोल प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रकाश का एक ही तल प्राप्त होता है, एक ही किरण प्राप्त होता है, जिसको PPL कहते हैं, ठीक है, और प्रकाशिक समावयवता किसको कहते हैं, तो प्रकाशिक समावयवता का मतलब कोई भी प्रकाश किरणों को, कोई भी प्रकाश की किरणें रहे अगर उसमें मुड़ने की जो गुण पाई जाती है, मुड़ने का मतलब कि बहुत सारी किरणों हैं उसमें से एक किरणें अगर हम निकालना चाहते हैं तो ऐसी घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। चलिए उसके बाद हम लोग प्रकाशिक सक्रिय किसको कहेंगे, तो उसको समझने के लिए हम PPL का यूज करते हैं और इस PPL को एक कार्बनिक यौगिक से एक सॉल्यूशन है, बिलियन है, अब वो किसका बिलियन है,
क्लियर नहीं किया हुआ है, सिर्फ लिखता है कार्बनिक यौगिक से गुजारते हैं। तो इस पीपीएल को जब कार्बनिक यौगिक से गुजारते हैं, गुजारा जाता है, ठीक है, तो यहां पे दो तरह का प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। एक ओ जैसा था मेरा फिगर वैसा ही, क्या ये पीपीएल है तो क्या ये पीपीएल नहीं है, है। यानी कि जब प्रकाश की किरण कोई कार्बनिक यौगिक से गुजारा जाता है तो उसमें मुड़ने की क्षमता नहीं होती है, जब वो नहीं मुड़ती है इसी को बोलते हैं प्रकाशिक अक्रिय। इस बात को भी हम लिखें कि यदि कोई पीपीएल ध्रुवित प्रकाश तल के किरणों को कार्बनिक यौगिक से गुजारा जाए और वो नहीं मुड़े, यानी कि वो मुड़ती नहीं है, तब हम उसको बोलते हैं क्या, प्रकाशिक अक्रिय। उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक अक्रिय। अब जब वो ध्रुवित प्रकाश तल को जब कार्बनिक यौगिक से गुजारा जाए तो या तो दाएं मुड़े या तो बाएं मुड़े, तो दोनों ही मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाशिक सक्रिय कहते हैं। यानी कि जब दाएं मुड़े बाएं मुड़े उससे मतलब नहीं है, किधर भी तो मुड़ रहा है ना, तब हम उसको बोलेंगे प्रकाशिक सक्रिय। लेकिन जब वो फाइनली बाएं ओर मुड़ता है तब उसको लिवो कहते हैं, और जब ये प्रकाश तल दाई ओर मुड़ी, यानी कि एरो देखिए दिखा हुआ है दाई ओर मुड़ी, तो इसको डेक्स्ट्रो घूर्णक कहते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि लिवो घूर्णक और डेक्स्ट्रो घूर्णक दोनों को अगर मिला दिया जाए तो प्रकाशिक सक्रिय कहलाएगा, है ना। और ये लिवो घूर्णक का मतलब क्या है कि प्रकाश तल का बाई ओर का मुड़ना, यानी कि जब कार्बनिक यौगिक से पास कराया जाए तो बाई ओर जो मुड़ जाती है स्पेशल, उसको लिवो घूर्णक कहते हैं, और अगर दाई ओर अगर मुड़ती है तब उसको डेक्स्ट्रो घूर्णक कहते हैं, ठीक है। और जब लिवो घूर्णक, अच्छा लिवो घूर्णक को कैसे दिखाते हैं, तो एल रूप बोला जाता है और डेक्स्ट्रो घूर्णक को डी रूप कहा जाता है, ठीक है। यानी कि समझिए बात को, लिवो घूर्णक को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एल रूप, और डेक्स्ट्रो घूर्णक को क्या बोल सकते हैं, डी रूप। और सबसे इंपोर्टेंट बात कि जब लिवो घूर्णक और डेक्स्ट्रो घूर्णक को अगर मिला दिया जाए, यानी कि एल रूप मतलब कि लिवो घूर्णक डी रूप को दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाने से, दोनों के मिश्रण को हम लोग रेशिमीकरण भी कहते हैं, रेशिमीकरण। तो ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल उठता है कि रेशिमीकरण किसे कहते हैं, तो रेशिमीकरण लिवो घूर्णक और डेक्स्ट्रो घूर्णक दोनों को जब मिश्रित किया जाता है, दोनों को एक साथ मिलाया जाता है, तब हम उसको बोलते हैं रेशिमीकरण। तो आज तक के हम लोग क्लास में प्रकाशिक समावयवता के बारे में सीखे कि प्रकाशिक अक्रिय क्या होता है, प्रकाशिक सक्रिय क्या होता है, तो इन चीजों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। फिर अगले दिन एक हम लोग नया टॉपिक्स के साथ पढ़ेंगे जिसका नाम है किरल कार्बन। अब किरल कार्बन क्या है, उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाला जाता है, तो इन चीजों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, और फिगर डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ जी अच्छे से तो दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।